शेयर मार्केट में कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि इनकम टैक्स की तरफ से कोई नोटिस ना आए। आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं या आप करना चाहते हैं, आप F&O करना चाहते हैं, इंट्राडे करना चाहते हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। साथ ही दोस्तों वीडियो में आपको साथ में बताऊंगा कि आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करने की क्या कोई लिमिट है इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से। किसी कंपनी के बॉन्ड खरीदना चाहते हैं, डिबेंचर्स खरीदना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी दोस्तों पूरा डिटेल में समझेंगे कि क्या लिमिट है अगर हम शेयर मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके बारे में। तो दोस्तों वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को आप पूरा देखें और स्किप ना करें। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों चैनल पर नए हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लाल बटन दबा दे, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि कोई नई वीडियो आए तो आपसे मिस ना हो। और गाइज आप हमें बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, क्लिक करके ज्वाइन जरूर कर ले क्योंकि वहां पे आपको मिलेंगी अपडेट्स फाइनेंस और टैक्सेशन की। सो गाइज ये क्वेश्चन मुझसे अभी रिसेंटली बहुत पूछा गया, अभी हमने लाइव सेशन किया था अपना जिसके अंदर ई कैंपेन के जो नोटिस आ रहे हैं लोगों को हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन करने के, तो उसमें भी मेरे से क्वेश्चन बहुत पूछा गया कि क्या वाकई में सर कोई लिमिट है कि हमें स्टॉक मार्केट में कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि इनकम टैक्स की तरफ से कोई प्रॉब्लम ना आए। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं लिमिट की कि क्या लिमिट है हमारे पास इन्वेस्ट करने की शेयर मार्केट में। दोस्तों मैं शेयर मार्केट के साथ साथ यहां पे आपको पॉइंट लेके चलूंगा म्यूचुअल फंड का भी, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स का भी और बायबैक का भी। तो ये चार पांच पॉइंट मैं एक साथ लेके चलूंगा क्योंकि ये सारे पॉइंट हमारे कवर होते हैं SFT ट्रांजेक्शन में, यानी कि जिनको हम हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन कहते हैं या स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कहते हैं। तो सेक्शन 285BA ऑफ इनकम टैक्स लॉ कहता है कि अगर आप किसी कंपनी के शेयर परचेज कर रहे हैं, आप चाहे स्टॉक मार्केट में जाके परचेज कर रहे हैं यानी कि आप स्टॉक एक्सचेंज में परचेज कर रहे हैं, शेयर खरीद रहे हैं, इंट्राडे के लिए खरीद रहे हैं, F&O के लिए खरीद रहे हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किसी भी कंपनी के आप लिस्टेड कंपनी के शेयर परचेज कर रहे हैं और उसकी वैल्यू अगर 10 लाख के बराबर उससे ज्यादा है एक फाइनेंशियल ईयर में, एक साल में। फाइनेंशियल ईयर आपको पता होगा कि हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, इस टाइम के बीच में अगर आप 10 लाख के बराबर उससे ज्यादा के किसी भी कंपनी के लिस्टेड कंपनी के शेयर परचेज करते हैं स्टॉक एक्सचेंज में डीमैट अकाउंट के थ्रू, इंट्राडे के लिए, F&O के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए, तो 10 लाख की दोस्तों वैल्यू है 10 लाख के बराबर उससे ज्यादा की, यानी कि ये लिमिट है जो इनकम टैक्स लॉ में रखी गई है। अब मुद्दा दोस्तों यह है कि ये लिमिट ऐसी नहीं है कि आप इससे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, मैंने ऐसा नहीं बोला वीडियो में कि आप 10 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। देखिए ये लिमिट जो है ना, ये लिमिट रखी गई है कि अगर आप 10 लाख के बराबर उससे ज्यादा की इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो उस केस में इनकम टैक्स लॉ आपसे नोटिस देके पूछ सकता है कि आपके पास पैसा कहां से आया लगाने के लिए। क्योंकि अगर आपके पास अगर 10 लाख या उससे ज्यादा की इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं शेयर मार्केट में, तो ऑब्वियसली आपकी जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चेक करेगा कि आपने ITR भी फाइल करी है कि नहीं करी, क्या इस पर्सन ने अपनी ITR फाइल करी है। लेट्स सपोज क्या आपने फाइल कर रखी हो ITR 1 लाख की या 2 लाख की और आपने 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं शेयर मार्केट में, तो इनकम टैक्स का बेसिकली ये क्राइटेरिया है, यानी कि आपने जो ट्रांजेक्शन करी है उसको हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन बोला जाएगा और जब आप शेयर मार्केट में पैसा लगाओगे तो ऑटोमेटिकली आपके पैन के बेसिस पे, आपने जो पैन नंबर है, जो आपके पैन के बेसिस पे जो भी डीमैट अकाउंट खुला है उसकी सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्सट्रैक्ट कर लेगा। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि आज के टाइम पे हमारे पास नया कॉन्सेप्ट आ गया है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट का और टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी का, AIS TIS जिसको कहते हैं, जिसके अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पैन के बेसिस पे सारी इन्फॉर्मेशन है, यानी कि आपके पैन पे कितनी आपने ट्रांजेक्शन कर रखी है, कितने आपने FD कर रखी है, कितने आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रखी है, कितने आपने प्रॉपर्टी परचेज कर रखी है, सारी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपके पैन के बेसिस पे, तो इसमें कुछ छुपाने का तो मतलब जाता ही नहीं है। लेकिन ये जो क्राइटेरिया दोस्तों रखा गया है कि आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, आप जो है स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगा रहे हैं, डीमैट अकाउंट के थ्रू आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इंट्राडे करना चाहते हैं, F&O करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये जो लिमिट रखी गई है ना, ये बेसिकली रखी गई है कि आप जो लिमिट कर रहे हैं इन ट्रांजेक्शन को बोला गया हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन, स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एज पर इनकम टैक्स लॉ सेक्शन 285BA जो हमारा कहता है। यानी कि अगर आप इस लिमिट से ज्यादा आप करते हैं तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपकी जो ट्रांजेक्शन है, जो भी आपने ट्रांजेक्शन करी है,
किसी के थ्रू जो भी आपने डीमेट अकाउंट में जो भी आपने ट्रांजेक्शन करी है किसी भी ब्रोकर के थ्रू, तो वहां पे जो ब्रोकर एजेंसी है वो आपकी ट्रांजेक्शन को बेसिकली रिपोर्ट कर देगा इनकम टैक्स लॉ के अंदर। दोस्तों ये लॉ है, ठीक है। अब आप कहोगे सर इसका मतलब मैं कितना मर्जी चाहे इन्वेस्ट कर सकता हूं। यस, हम जितना मर्जी चाहे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जितने मर्जी के हम शेयर परचेज कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमें इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप एक लिमिट तक, यानी कि कोई कैप लिमिट आपको दे दिया कि आप इसके ऊपर ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। सो गाइस, इसका मतलब यह है कि ना तो ये इनकम टैक्स लॉ बताता है, ना ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ना ये आरबीआई, मतलब कोई भी लॉ, बैंकिंग लॉ, इंडियन लॉ हमें रोक नहीं सकता कि हम एक लिमिट से ज्यादा की ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते शेयर मार्केट में। और साथ ही दोस्तों मैं बात करता हूं, अब अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि म्यूचुअल फंड में भी अगर आप पैसा लगा रहे हैं, तो दोस्तों उसकी लिमिट भी यहां पे रखी गई है 10 लाख के बराबर, उससे ज्यादा की आप पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में म्यूचुअल फंड में यूनिट्स परचेज करते हैं जिसकी वैल्यू 10 लाख उससे ज्यादा की है, तो उस केस में भी म्यूचुअल फंड जो होती है, म्यूचुअल फंड कंपनी होती है, वो उस पैसे को जो है रिपोर्ट करती है इनकम टैक्स लॉ को कि इस पर्सन ने अपने पैन पे 10 लाख से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट करी है म्यूचुअल फंड में। सो अकॉर्डिंगली जैसे मैंने बताया कि इनकम टैक्स लॉ फिर आइडेंटिफाई करता है, ट्रैक करता है आपकी ITR अगर आपने फाइल करी है, कितने की करी है, उसके बेसिस पे आपका सोर्सेज ऑफ फंड जानने की कोशिश करता है कि आपने जो पैसा लगाया है म्यूचुअल फंड में या शेयर मार्केट में आपके पास वो पैसा आया कहां से। दोस्तों ये इसके अंदर मेन मुद्दा है। ऐसे अगर मैं बायबैक ऑफ शेयर्स की बात करूं तो उस केस में भी लिमिट आपकी 10 लाख के बराबर उससे ज्यादा रखी गई है। और अगर मैं बात करता हूं दोस्तों बॉन्ड्स और डिबेंचर्स की, अगर आप किसी कंपनी के बॉन्ड और डिबेंचर परचेज कर रहे हैं तो वो भी 10 लाख के बराबर उससे ज्यादा के कर रहे हैं, तो उस केस में भी जो कंपनी इशू कर रही है बॉन्ड एंड डिबेंचर वो रिपोर्ट करेगी इनकम टैक्स लॉ को आपका पैन कि आपने हमसे बॉन्ड लिए हैं, डिबेंचर लिए हैं 10 लाख के बराबर उससे ज्यादा के एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उस केस में फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगेन आपका ट्रैक करेगा आपकी डिटेल्स को, आपकी ITR को, जिसके बेसिस पे वो आपको इनकम टैक्स नोटिस भेज सकता है। सो गाइस, मैंने आपको बता दिया चारों केस के अंदर कि बेसिकली अलग अलग कैटेगरी के अंदर अगर आप शेयर मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगा रहे हैं, म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं, बायबैक कर रहे हैं, बॉन्ड डिबेंचर ले रहे हैं, तो उस केस में आपकी इन सारे चारों केसेस के अंदर 10 लाख रुपए की लिमिट रखी गई है। सो गाइस, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे काफी सारे लोगों को ई कंपेन के नोटिस आजकल आ रहे हैं जिन्होंने हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन कर रखी है, जिसमें से एक ट्रांजेक्शन शेयर मार्केट वाली भी, यानी कि म्यूचुअल फंड वाली भी है। अगर आपने 10 लाख से ज्यादा का शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है, आपने शेयर परचेज कर रखे हैं स्टॉक एक्सचेंज में, या आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, सो गाइस आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां पे SFT या आपकी स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है कि इस पर्सन ने म्यूचुअल फंड में और शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं 10 लाख के बराबर उससे ज्यादा क्या एक साल में। सो गाइस, अगर इस तरह की आप ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं तो उसके बेसिस पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आजकल सभी को जो है ई कैंपेन के SMS और ईमेल्स भेज रहा है कि भाई आपने ये ट्रांजेक्शन करी है तो आप इसको जो है अपने लॉग इन करके पोर्टल पे इसका जो है आप इसको अप्रूव करो या इसके अगेंस्ट में रिप्लाई करो। और गाइस, इसके अगेंस्ट में कैसे रिप्लाई करना है, इसके लिए मैंने पूरी डिटेल वीडियो बना रखी है वाली, आप इस वीडियो में जाके देख सकते हैं, पूरा प्रैक्टिकल प्रोसेस बता रखा है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया, क्लिक करके देख लेना आप वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है कि कैसे कैसे आपको इसके रिप्लाई करना है। तो इसलिए दोस्तों यहां पे मैंने कनेक्ट करा शेयर मार्केट का टॉपिक कि शेयर मार्केट में अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसकी क्या लिमिट रहेगी, वो मैंने आपको डिटेल में समझा दी। अब दोस्तों मुद्दा आता है कि अब सर अगर हम मान लो हमने ITR फाइल नहीं करी तो उस केस में क्या होगा। देखिए यहां पे मैं दोनों केस लूंगा, एक केस में आपने ITR फाइल करी है, एक केस में आपने ITR फाइल नहीं करी है। मान लेते हैं सबसे पहले केस में कि आपने हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन करी है, शेयर मार्केट में आपने 10 लाख से ज्यादा का पैसा इन्वेस्ट कर लिया, जैसे आप ये वाला केस देख सकते हैं। इस केस में इस पर्सन ने 20 लाख से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, किसी ने 60 लाख से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो इस केस में इस पर्सन ने अपनी ITR फाइल करी है, ITR में उसने प्रॉपर अपनी इनकम दिखा रखी है कि भाई मेरी सैलरी की इनकम है, मेरा 10 लाख का पैकेज है, मेरा 20 लाख का पैकेज है, और अकॉर्डिंगली मैंने 20-25 लाख रुपए अपनी जो है इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो दोस्तों उस केस में कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आपने ITR फाइल कर रखी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अकॉर्डिंगली आपने प्रॉपर अपनी ITR फाइल कर रखी है। और ध्यान रहे दोस्तों, आप कोशिश करें इस तरह की जो ITR होती है, क्योंकि मैंने काफी सारे लोग के क्वेश्चन मेरे पास अभी भी आते हैं कि सर मेरे ना म्यूचुअल इंट्राडे मैंने करी थी तो कोई जरूरत है नहीं ITR फाइल करने की, 3-4 लाख की ITR मैंने फाइल कर दी, सैलरी इनकम दिखा दी और अपना इंट्राडे का मैंने कुछ दिखाया ही नहीं उसके अंदर। तो दोस्तों बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप लोग। ये उन लोगों के लिए जो खासकर ये सोचते हैं कि सर 500 रुपए में तो अकाउंटेंट ने ITR हमने भरवा ली थी या हमने फ्री में ITR भरवा ली कहीं से, और वो जो इनकम थी उनकी जो SFT या TIS AIS में आ रही थी वो दिखाई नहीं, तो उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अगर आप इस तरह की प्रॉब्लम्स में अगर आप जूझ रहे हैं और हमारी टीम से कनेक्ट करना चाहते हैं, हमारी कंसल्टेंसी चाहते हैं दोस्तों, तो आप नीचे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं। तो सेकंड बात करता हूं लोगों की जिन्होंने अपनी ITR फाइल नहीं करी, तो सबसे पहले तो उन लोगों को ये ई कंपेन का SMS और ईमेल आएगा,
तो पहली बात तो ये कि पहले अपने जाके आप आईटीआर फाइल करवा लो अगर आपने आईटीआर अभी भी फाइल नहीं करी है, क्योंकि अगर आपने ई कंपेन के नोटिस के अगेंस्ट में रिप्लाई नहीं करा और आपने आईटीआर फाइल नहीं करी तो उस केस में दोस्तों हो सकता है कि आपको फिर नोटिस आ जाए, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने हिंट दे दिया है कि आपने आईटीआर तो फाइल करी नहीं है लेकिन आपने 20 लाख रुपए कहां से इन्वेस्ट कर दिए शेयर मार्केट में, तो उस केस में फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको आने वाले टाइम में नोटिस भेज सकता है। तो सबसे पहला जो काम है आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी है, और अकॉर्डिंगली अगर आप फिर भी आईटीआर फाइल नहीं करते और आपको नोटिस आया था तो दोस्तों फिर आपसे पूछा जाएगा कि एक तो आपने आईटीआर क्यों नहीं फाइल करी, दूसरा आपसे सोर्स पूछा जाएगा कि आपके पास पैसा लगाने के लिए कहां से आया, आपने पैसा कहां से, जो पैसा आपने लगाया 20 लाख रुपए वो आपके पास कहां से आया, उसका हमें जेन्युइन सोर्स चाहिए, हमें उसकी पूरी डिटेल चाहिए। सो गाइस आजकल स्टॉक मार्केट काफी बूम चल रही है, लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, दबा के इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, ठीक है, प्रॉफिट भी कमा रहे हैं लॉस भी कमा रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं। और साथ ही आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, देखिए इनकम टैक्स लॉ यही चाहता है कि आप जो पैसा उसमें लगा रहे हैं उसका मैं सोर्स बता दो अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं करी, तो नोटिस आपको आएगा दोस्तों। और काफी सारे लोग इसके अंदर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आईटीआर तो फाइल नहीं करी लेकिन 20-25 लाख रुपए लगा दिया, और वो लगाया कहां से, अपने किसी दोस्त से ले रखा है, किसी रिश्तेदार से ले रखा है और स्टॉक मार्केट में लगा दिया। देखिए फिर आपको कल को ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जब नोटिस आएगा तो पूरी वहां पे आपको डिटेल बतानी पड़ेगी, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी, हो सकता है कि जिससे आपने पैसा ले रखा हो उसके आपको पैन आधार देने पड़े, कंफर्मेशन आपको देनी पड़े, तो वो सब इन्फॉर्मेशन आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए। इसलिए आप कोशिश करें कि जब आप कोई भी अपने अकाउंट में पैसा ले रहे हैं शेयर मार्केट में लगाने के लिए, जो कि आपका एक तरह से इनकम नहीं है, यानी कि अपने दोस्त से आप उधार ले रहे हैं 1 लाख रुपए, रिश्तेदार से 2 लाख रुपए ले लिए, 4 लाख वहां से ले लिए, तो आप किसी से भी लोन ले रहे हैं उधार ले रहे हैं तो उससे लोन की कंफर्मेशन ले लें कि भाई मैं तेरे से ये लोन एज अमाउंट ले रहा हूँ 1 लाख रुपए एज अ लोन ले रहा हूँ, कैश के थ्रू या चेक के थ्रू जैसे भी आप ले रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा मेंटेन करके रखें। और आप मंथली बेसिस पे अगर ज्यादा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं अपने बैंक अकाउंट में, बहुत ज्यादा यूपीआई ले रहे हैं, तो उसका प्रॉपरली जो एक अकाउंटिंग करें। लेकिन मैं अगेन आपसे ये कहूंगा कि ये टेक्निकल चीजें आपके लिए थोड़ी दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं कि आपके पास इतना समय नहीं है, कौन इतना पेपर वर्क करे, तो इसलिए आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले, किसी कंसल्टेंट को हायर करें सब चीज करने के लिए। तो दोस्तों 2000-4000 के चक्कर में आपको नोटिस में बाद में बहुत दिक्कत आ सकती है और बहुत सारा पैसा आपकी जेब से लग सकता है। सो गाइस मैंने पूरा वीडियो में आपको समझा दिया कि इनकम टैक्स लॉ क्या कहता है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए कोई लिमिट नहीं है, आप जितना मर्जी चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप प्रॉपरली आईटीआर फाइल करें, और अकॉर्डिंगली जितना भी आप शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं, बायबैक ऑफ शेयर्स कर रहे हैं, बॉन्ड्स और डिबेंचर खरीद रहे किसी कंपनी के, तो बस आप उसको प्रॉपरली सोर्स ऑफ इनकम अपना आईटीआर में जरूर दिखाएं। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद होगी, और इस वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ अगर सॉल्यूशन दिया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे लाल बटन उसको दबाएं ताकि ऐसे वीडियो आपको टाइम टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू।